हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोनो टॉशन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं निशान मैग्नाइट के बारे में। और आपको मिलवाते हैं निशान के ओनर जिन्होंने बुक करवाई है निशान मैग्नाइट, और उनसे बात करवाते हैं। तो रोहित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। थैंक यू। तो सर, आपने निशान मैग्नाइट का कौन सा वेरियंट बुक करवाया? एक्सल सर। ओके, और क्या सोचा आपने मैग्नाइट बुक करवाने से पहले, क्योंकि मार्केट में और भी काफी सारी गाड़ियां हैं और भी काफी सारे इस सेगमेंट में इसी प्राइस रेंज में काफी गाड़ियां हैं, तो आपका मैग्नाइट का ही प्लान क्यों बना? सर, एक तो आपकी ये बिल्कुल जो सवाल है, बिल्कुल मैं से सहमत नहीं हूँ। इस रेंज में कोई भी गाड़ी नहीं है और इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि 4,99,000 से ये रेंज स्टार्ट है और कुछ एसयूवी टाइप का लुक दे रहे हैं गाड़ी के अंदर ये। तो इस रेंज में सर गाड़ी है ही नहीं कोई और। नहीं, इस रेंज में मतलब एक प्राइस रेंज में जैसे बाकी गाड़ी आती है, जैसे कि स्विफ्ट आती है, बलेनो आती है प्राइस रेंज में, और सेगमेंट में बाकी गाड़ी आती है जैसे कि सोनेट है, वेन्यू है, ब्रेजा है, तो सेगमेंट और प्राइस दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो काफी गाड़ियां हैं रेंज में। तो आपका निशान मैग्नाइट का ही प्लान क्यों बना? सर, बस कुछ नया देखने की, कुछ नया लेने की चाहत। ओके जी। और आपने टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन भी किया होगा? जी। कौन कौन सी गाड़ियों के साथ आपने ड्राइव किया अभी तक? सर, मैंने टाटा का लिया था एक तो, और टाटा का नेक्सॉन का सर। ओके। और सोनेट का भी सर लेके आया मैं। ओके। लेकिन सर बिल्कुल मेरे को स्मूथ जो चलने में गाड़ी, मेरे को ये मैग्नाइट लगी। ओके। बहुत स्मूथ लगी गाड़ी मुझे वो। बाकी थोड़ी जो नेक्सॉन वगैरह थोड़ी सी मतलब कंपैरिजन ही मैग्नाइट के, काफी थोड़ी सी मतलब लग रही है कि भारीपन है उस गाड़ी में, मैग्नाइट में, टाटा के अंदर, टाटा नेक्सॉन के अंदर। जी। और वो चीज आपको इस पे ये बिल्कुल बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी वाली। ओके। आपने आई थिंक दो बार टेस्ट ड्राइव लिया था इस गाड़ी का? जी, दो बार लिया टेस्ट। और फैमिली के साथ आपने 5 पीपल आप गाड़ी लेते हैं? जी, 5 पीपल। तो आपको स्पेस में कहीं कोई दिक्कत लगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी जो फैमिली के अंदर लगभग सभी 6 फीट अभाव ही है हाइट के अंदर। ओके। तो कोई भी सर दिक्कत नहीं है, कोई मतलब किसी के बूट स्पेस में कोई दिक्कत नहीं सर हमें बैठने में कोई। तो आपने 5 पीपल के साथ गाड़ी चलाई है, तो आपको ऐसा लगा कि जो स्टार्टिंग में पावर है वो उतनी अच्छी नहीं मिल रही, या आपने अगर गाड़ी ओवरटेक की हो या हाई स्पीड पे चलाई हो तो आपको पावर में कमी लगी? नहीं सर, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे गाड़ी में। ओके। बहुत अच्छी पावर सर गाड़ी के अंदर। ओके। और बात करें ओवरऑल टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस की, स्टीयरिंग की, गियर की, तो कैसा आपको फील हुआ चला के? स्टीयरिंग हैवी लगा या नहीं? सर कुछ भी हैवी नहीं है, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी बिल्कुल। ओके। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं सर, गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है इसकी और स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है इसका गाड़ी का। वाइब्रेशन वगैरह नहीं सर, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई नॉइस नहीं सर इंजन की। ओके। और कैबिन नॉइस की बात करें, इंजन की बिल्कुल कोई नॉइस आपको फील हो? जो बिल्कुल मामूली से देखो तो होती है जो इंजन की नॉइस, बाकी वो नहीं है कि बिल्कुल अंदर आ रही आवाज, क्योंकि ऐसी कुछ भी नहीं था गाड़ी। और रोड साइड नॉइस की बात करें, नीचे से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो टायर से नॉइस आती है, तो उसमें आपको कैसा लगा? सर इतनी कोई नहीं, इतना कोई नॉइस नहीं आया उसका भी अंदर, हमारी गाड़ी के अंदर। ओके। ओवरऑल इस बजट में जैसे कि प्राइस जो है सबसे कम है इस सेगमेंट में, तो आपको इंटीरियर की फिट एंड फिनिश, क्वालिटी, ओवरऑल लुक्स, डिजाइन कैसा लगा एज कम्पेयर टू अदर? वेरी फाइन सर। ओके। और आपने गाड़ी चलाई है, आपने फील किया कि आपको सस्पेंशन कैसा लग रहा है, या खड्डे आपको फील हुए कि जो खड्डे है जो ज्यादा फील हो रहे हैं? नहीं सर, ऐसे है एक्चुअल में, अब तो रोड्स भी काफी अच्छी बन चुकी हैं, हर तरफ में हाईवेज बने हुए हैं, वो जो टेस्ट ड्राइव लेके वो भी सारी हाईवेज पे सर लेके आए हैं, तो सस्पेंशन में सर कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, आनी भी नहीं चाहिए आगे सस्पेंशन में दिक्कत हुई। ओके। और पीछे सभी की हाइट 6 के आसपास है ना? 6 प्लस ही है। किसी कोई दिक्कत शोल्डर टच हो रहा है थोड़े थोड़े? मेरी सर 6 फुट 1 इंच है मेरी हाइट। अच्छा, बिल्कुल कम्फर्ट हूँ। हेडरूम वगैरह सही है सर? बहुत है अभी तो। आपने जब कब करवाई आपने बुक किया गाड़ी? ये सर मैंने 3 दिन पहले का सर बुक करवाई है मैंने, 4 दिन पहले। तो आपको क्या बोला जा रहा है, एस्टिमेट डिलीवरी कब तक मिल जाएगी? फेब के अंदर सर बोल रहे हैं मुझे देने के लिए, 2021 के अंदर। 21 के अंदर। और जो प्राइसेस अभी आपने बुक करवाई है जिस प्राइस पे वही प्राइस पे? जी सर, सेम वही प्राइस के अंदर। जो इंक्रीज होंगे वो जो 21 में इंक्रीज होंगे वो इंक्रीज होंगे अलग से। ओके। बट हमारी जो प्राइस है वो आज की लो कर दिया, हाँ लो कर दिया हमारा प्राइस। तो ये थे निशान मैग्नाइट के ओनर, जिनकी जो डिलीवरी है गाड़ी की वो फरवरी में होने वाली है, तो जल्द इनके साथ हम ओनर रिव्यू भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच रोहित जी फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।